हाय गाइस, वेलकम टू द रिव्यू विद महश। आज इस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं। उसका नाम है समी और आज हम समी की 20th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। इस एपिसोड में हम थोड़ी सी बात करते हैं माबरा हुसैन के किरदार समी के बारे में, जो कि प्ले का टाइटल है। समी की बहुत अच्छी बात यह है कि वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज लेके आपके सामने आती है। समी का जो किरदार है वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन में आइडियलिस्टिक बातें करती है, विच इज़ बेसिकली सेइंग कि अगर एक विक्टिम जो है वो अगर अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो वो सिस्टम से लड़ सकता है। इवन दो प्रॉब्लम्स उसको रियलिस्टिकली फेस करते हुए दिखाई हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो पुलिस वाले हैं वो उसकी हेल्प नहीं कर रहे, द लॉ इज इवन दो इट्स ऑन हर साइड बट द लीगल सिस्टम इज नॉट ऑन हर साइड। सो इन अ वे इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट जब एक कैरेक्टर को हम ऐसे बिल्ड करते हैं कि वो रिलेटेबल भी है और नहीं भी। बहुत सारी लड़कियां समी से रिलेट कर भी सकती हैं, लेकिन माबरा हुसैन का जो एक कॉन्फिडेंट सा पोर्ट्रेयल है तो उसमें वो कहीं मजलूम नहीं दिखती, वो उस तरह कहीं बेचारी नहीं दिखती। बट आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट ब्रिज। आई मीन देर आर लॉट ऑफ पीपल, देर आर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट गर्ल्स हु आर वॉचिंग ड्रामाज, हु आर वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामाज, और जब वो माबरा हुसैन के किरदार को देखती हैं तो माबरा के अंदर मौजूद कॉन्फिडेंस से जो वो मैसेज है, आई थिंक वो शायद उनके साथ थोड़ा सा रेजोनेट करे। तो ओवरऑल एक जो ये क्वेश्चन है कि जी माबरा का जो पोर्ट्रेल है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एंड शी डजंट रियली यू नो सीम लाइक द गाँव की बेचारी टाइप, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, हर पॉस्चर, द वे दैट शी यू नो टेल्स ऑफ पीपल, इट्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, इट्स वेरी अर्बेन। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सीन बिटवीन हर एंड सानिया सईद इन विच शी टेल्स ऑफ चांदी कि भाई जाओ यहाँ से, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, शी इज़ वेरी केपेबल, एंड इवन दो वो ये कहती है कि मुझे डर लगता है और मुझे सोते हुए भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो वो जो डर वाला फैक्टर है वो हमें उनके पोर्ट्रेयल में थोड़ा कम नज़र आता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इससे एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आई थिंक देखने वाले को भी महसूस होती है कि हाँ यार ये इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कर रही है तो शायद मैं भी अगर खड़ी हूँ तो मैं किसी ना किसी तरीके से अपने लिए कोई इंसाफ ढूंढ सकती हूँ। और समी का जो किरदार है उसके अंदर एक अजीब सी निहिलिज्म है, उसके अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी है। वो ये कहती है कि अच्छा ठीक है अब मरना ही है तो जरा कुछ शोर मचा के अपने हक के लिए लड़के मरो। सो शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, सो दैट पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर इज सॉर्ट ऑफ गुड। आई एम नॉट रियली श्योर कि अगर आप उसको गुड कह सकते हैं या नहीं, बट द नेगेटिव पार्ट इज कि वो बहुत रियलिस्टिक नहीं लगता। बट देन अगेन वो जो पूरा आई थिंक एट द एंड ऑफ इट जो प्ले का मैसेज होगा वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तो नहीं है। कहीं ना कहीं हमने सेल्वेशन दिखानी है और कहीं ना कहीं हमने उसके कैरेक्टर को सुरखुरु होता भी देखना है, जो कि ऑब्वियसली हमेशा नहीं होता वन्नी के केसेस में, ऑनर किलिंग के केसेस में। अब हम मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं जो इस एपिसोड में हमें मिले हैं। ओवरऑल एक बहुत मैसेज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, सोशल इशू ओरिएंटेड प्ले है। तो इस एपिसोड में हमने समी के जो किरदार को ये हमें कहते हुए सुना है चौधरी रमनवास को कि नो नो मींस नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू यू, आपको मारना है मार दें, जलाना है जला दें, लेकिन मैं आपसे शादी या मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। इसके ऊपर चौधरी रमनवास उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं और मदिया रिजवी का किरदार दैट इज सुलेखा उनको रोकने की कोशिश करती हैं। यहां मैं बताती चलूं कि मुझे मदिया रिजवी एज एन एक्ट्रेस बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल बिकॉज इस रोल के साथ ऑडियंस को थोड़ा फील भी करना है, बट एट द सेम टाइम वो उस पोजिशन में बैठी है जिस पोजिशन में वो है, शी इज इन अ पोजिशन ऑफ पावर, मगर पोजिशन ऑफ पावर में रह के हेल्पलेस कैसे अपने आप को डिपेक्ट करना है, मदिया रिजवी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस वन। मुझे दो जुमले बहुत अच्छे लगे इस एपिसोड में। नंबर एक, जो आलियान जो है वो बिलाल खान का जो किरदार है वो समी से कहता है कि अब तुम जिंदा हो गई हो, एंड दैट्स सो ट्रू कि इंसान के अंदर जब शऊर आ जाता है तो वो बहुत सारी चीजें करने के लिए केपेबल हो जाता है, उसके अंदर एक नई जिंदगी आती है, उसको एक नई एनर्जी मिलती है, और विक्टिम्स के अंदर ये एनर्जी ढूंढना मुश्किल होती है। लेकिन आई गेस आई एम होपिंग दैट दिस इज द टारगेट एंड दिस इज द आइडिया ऑफ द प्ले के जब कोई इंसान अपने जुल्म के खिलाफ, अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ कोई ना कोई ताकत ज़रूर होती है, कोई गुडनेस की दुनिया में जैसे कुछ सपोर्ट करने वाले जो लोग उसको मिल ही जाते हैं कि उसके बाद वो अपनी आवाज़ उठाए और अपने हक के लिए लड़े। दूसरा डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चांदी और आलियान के बीच में था, जिसमें आलियान उनको दिलासा दे रहे होते हैं कि मैं भी सालार की तरह ही हूँ आपके लिए, लेकिन चांदी का किरदार जो है वो ये कहता है कि तुम थम्मी को किसी तरह बचाओ और पुलिस वालों के पेट भर दो पैसों से, मैं कब्र में तो नहीं लेके जाऊंगी ना, और ये जो पेट है वो कब्र से तो छोटा ही होता है, तो दे दो इनको सारे पैसे दे दो लेकिन सम्मी को छुड़वा लो। इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है, थिंग्स दैट रियली रियली मैटर टू यू, जब वो आपसे छीन ली जाती हैं तो फिर अगर मटेरियल चीजें भी आपके पास से चली जाएं तो आपको इतना मैटर नहीं करता। एक और बहुत रियल चीज समी इस एपिसोड में ये कहती हैं कि
मुझे नींद से डर लगता है, मुझे सोया नहीं जाता, मुझे लगता है कि कुछ हो जाएगा। और ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि ये एक बड़ी रियल बात है। बहुत सारी विक्टिम्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और साइकोलॉजी में इसको पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं, यानी ये कि कोई ट्रॉमा से गुजरने के बाद या किसी तकलीफदेह मरहले से गुजरने के बाद इंसान के अंदर अभी भी उन तकलीफ के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या जो तकलीफ के असरात होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को सोने से डर लगता है, बिकॉज उनको लगता है कि जब तक वो कॉन्शियस रहेंगे, जब तक वो चीज़ों से अवेयर रहेंगे या फाइट कर सकते हैं, तब तक दे आर सेफ। लेकिन जैसे ही उनको कोई वो किसी ख्वाब गफलत में चले गए या वो किसी एक सॉर्ट ऑफ नींद की आगोश में चले गए, तो उसका मतलब है उनकी कॉन्शियसनेस लूज हो गई और उनका पावर टू फाइट बैक लूज हो गया। सो इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। इंसॉम्निया बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम, यानी नींद ना आना। इसके अलावा नींद से डर लगना, नाइटमेयर्स आना, ये सब इन्हीं प्रॉब्लम्स का हिस्सा है। और विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए जो इस तरह के ट्रामा से गुजरते हैं, वो भी उनके लिए भी इस तरह का सपोर्ट ग्रुप होना बहुत जरूरी है, फ्रेंड्स, फैमिली, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शुअल अब्यूज के विक्टिम्स होते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स होते हैं, इस तरह के क्राइम्स के जो विक्टिम्स होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम्स मौजूद नहीं है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड रियली रियली पे अटेंशन ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस रिव्यू। यू कैन कैच डिटेल रिव्यूज ऑन patari.pk, वेयर यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन सर्च फॉर माई नेम, द रिव्यू विद महावश, और ड्रामा रिव्यूज, वहां पे मेरे सारे रिव्यूज मौजूद हैं। मैं दीगर ड्रामों का भी रिव्यू कर रही हूँ। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, प्लीज लाइक आवर फेसबुक पेज। इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। द लिंक्स आर राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज़।